जयपुर में भारतीय किसान संघ ने बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर में जाकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें किसानों ने अपनी कई मांगे रखी, जिसमें विद्युत विभाग को लेकर किसानों की मांग है कि 400 से 220 पावर ग्रिड सब स्टेशन जयपुर को प्राप्त हुआ और साथ ही जिन सब स्टेशनों पर लाइनें जर्जर हो चुकी हैं उनको बदला जाए और किसानों को 12 से 10 घंटे बिजली दी जाए। अगर 10 से 12 घंटे बिजली नहीं मिलती है तो बिजली का बिल 50% दिया जाए और जगह जगह स्विच लगाया जाए, जिससे अगर किसी किसान भाई की लाइन फॉल्ट होती है तो उसकी लाइन बंद हो। और यही नहीं, कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाओं का अभाव है, मंडी की व्यवस्थाएँ सुधारी जाए, जैसे किसान भाइयों को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, मंडी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और अभी हाल ही में मूंग उड़द के हुए नुकसान का ड्रोन से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए, ऐसी विभिन्न प्रकार की किसानों की ज्ञापन में मांग रखी गई। भारतीय किसान संघ ने किसानों का यह भी कहना है कि अगर हमारी मांगे 15 दिनों में नहीं मानी जाती तो फिर से ज्ञापन दिया जाएगा और फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। शहपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। खाद की प्रथम मांग, ये पूरा श्योपुर जिले में नहीं, कहीं भी खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अभी जैसे यूरिया DAP और जो भी मिल रहा है वो 1600-1700 के रेट में कालाबाजी हो रही है। और हमारी जो आज की मांगे हैं, सोयाबीन, तल्ली और उड़द, जो हमारी तीनों फसल नष्ट हो चुके हैं, इसका सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसका जल्दी से जल्दी सर्वे कराया जाए। और जैसे जो किसानों को लाइट 10 घंटा मिलनी थी वो आज 8 ही घंटा मिल रही है और उसको भी पूरी 10 घंटा की जावे। विद्युत विभाग को लिया है, विद्युत में श्योपुर जिले की सबसे पहली भारतीय किसान संघ की मांग है कि यहाँ 400/220 भी पावर ग्रिड स्टेशन, जो बड़ा स्टेशन है, वो हमको श्योपुर जिले को प्राप्त हो। विद्युत की समस्या इतनी गंभीर है कि अधिकांश जगह तार जर्जर है, प्रत्येक सब स्टेशन पर ओवरलोड का बहाना लेकर हमेशा कटौती की जा रही है और अधिकांश किसानों को जो सरकार दावा कर रही है कि हम 10 और 12 घंटे बिजली दे रहे हैं, मुश्किल से बमुश्किल 8, 7 और 6 घंटे बिजली मिल रही है। तीसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि एक किसान ने जरा सा भी अगर कहीं फॉल्ट हो गया तो पूरे क्षेत्र की लाइन को काट के बैठ जाते। जब किसान पूरा बिल दे रहा है तो उसका अलग, हर किसान का अलग अलग स्विच क्यों नहीं बनाया जाए। इसके साथ ही सर, अधिकांश जगह जर्जर लाइन जो बरसों से पड़ी है उनकी मेंटेनेंस और उनकी मरम्मत के नाम के खानापूर्ति करके लाइटों को काटा जा रहा है। अगर जब लाइट आप पर्याप्त नहीं दे रहे, वोल्टेज पर्याप्त नहीं दे रहे तो बिल क्यों, फिर बिल आपको 24 घंटे का क्यों ले रहे हैं? 10 घंटे की, 12 घंटे की आप मांग करके 8 और 7, 6 घंटे की जब आप लाइट दे रहे हैं। ये संबंधित है, हमारे किसान का एक ट्रैक्टर चोरी होकर चला गया, मंडी प्रशासन को पता ही नहीं चला, मंडी में असुविधा के नाम पे सब प्रत्येक विभाग में AC लगे हुए रूम में किसानों के लिए आज मंडी में बैठने तक के लिए सुविधाएं नहीं है। क्यों नहीं है? किसान क्या यहाँ का अन्नदाता नहीं है, इंसान नहीं है? पानी की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, पर्याप्त फर्सद नहीं है। अधिकांश मंडियों में राशि खर्च करके बिल्डिंगें बना दी गई, व्यापारी नहीं है, मंडियों को चालू नहीं किया गया। तो अभी जैसे मूंग उड़द सब जिसको पूरा प्रशासन देख रहा है, इसको सर्वे के नाम के बरसों करके और लूट का माध्यम कर दिया जाता है। पटवारी अलग लूटेगा, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, जो भी है, इनका एक क्रम बना दिया जाएगा और बरसों तक उसको उसका मुआवजा मिलता ही नहीं है। जब आपने पूरा क्षेत्र देख लिया तो ड्रोन से एक सर्वे करके प्रत्येक किसान को उसके रकबे के अनुसार क्यों ना दिया जाता? अन्य क्षेत्र तो आपको आग लगी हुई यहाँ से दिल्ली में बैठे दिख जाती है, किसान की पूरा तबाह हुआ क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह की सभी राजस्व का आज मामला आ रहा है, राजस्व के मामले में एक एक छोटे छोटे वटांकन लेके, सीमांकन लेके, और बरसों लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार एक सिर चरम की ओर पहुंचता जा रहा है। जब तक नीचे से ऊपर तक की सीढ़ी को पूरे क्रम नहीं दिया जाए, आप प्रत्येक गांव में कैंप लगा के हर माह में एक गांव में एक दिन भी अगर, या 10 गांवों में एक कैंप लग के तत्काल निर्णय क्यों नहीं होता? इसका एक बहुत बड़ा सीधा, जिसको प्रत्येक प्रशासन और सरकारें जान रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से गरीब किसान हितैषी कार्य करने में असमर्थ हैं। आज हमने 2 तारीख को भगवान बलराम जयंती पर यह ज्ञापन दिया है, यदि जल्दी मांग नहीं गई तो 15 तारीख को फिर पुनः प्रदर्शन करेंगे और इस स्थिति को क्लियर कर देंगे कि सरकार क्या कर रही है। अगर इस स्थिति में ये जल्दी नहीं जागे तो स्थायी रूप से जब तक हल नहीं होगा, जब तक भारतीय किसान निर्णय के लिए और बैठा रहेगा।